500 रुपए हैं। हैं दे। नहीं मैं पूछ रहा हूँ। हैं लेकिन दूंगा नहीं। क्यों? अबे मैंने खुद इतने सालों बाद शक्ल देखी 500 रुपए की। खाओ। मैं तो खा रहा हूँ। भाई तुम तो खाना खा रहे हो। ये तो कह रहा हूँ मैं खा रहा हूँ। प्लेट में खाना पड़ा हुआ है अभी। मैं फोन खाने की बात कर रही हूँ। हेलो। हेलो डार्लिंग। कौन? भूल गए? रॉन्ग नंबर सॉरी। किसका फोन है? किसी का नहीं मेरा अपना है। देखो फोन पर कौन था? मेरा कोई रॉन्ग नंबर था। भाई अगर कोई लड़की हो तो मुझे दे देना। हेलो। बीवी से डरते हो? किसकी? अपनी। नहीं नहीं देखें रॉन्ग नंबर है। हेलो। अपने मियाँ को दो। क्यों दूँ? मेरा मियाँ है। मैंने कहा ना दो। अरे तुम्हें दे दूंगी तो मैं क्या करूंगी? एक ही तो मियाँ है मेरा। अरे मैं फोन देने की बात कर रही हूँ। कौन हो तुम? मैं जो भी हूँ तुम्हें से क्या? जो भी? ये तो बड़ा अजीब नाम है। तुम अपने मियाँ को फोन दे रही हो या नहीं? नहीं। कौन थी यासर ये लड़की? लड़की फोन पर? भाई कुछ तो शर्म करो। मैं रॉन्ग नंबर था तो मैं क्या करूं? अच्छा भाभी के सामने रॉन्ग नंबर था वरना तो। अबे बकवास नहीं कर दानिश। जैसे तुम फोन पे लड़कियों से बात करते हो। भाभी ये बताएं ये लड़की नाक से बोल रही थी? नहीं दानिश फोन से बोल रही थी। मेरा मतलब है कि ऐसे बोल रही थी हेलो यहाँ सर है? नहीं। रिजवाना भी नहीं थी? अच्छा रुक रुक के बोल रही थी? नहीं। शकीला भी नहीं थी? तो अगला 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 बात कर रही थी? नहीं। रुखसाना भी नहीं? समझ गया भाभी मर्दाना आवाज थी? नहीं। ओ रिजवाना भी नहीं थी? भाई कोई नई लड़की है क्या? नहीं। यासर दानिश सही कह रहा है। नहीं निदा दानिश नहीं कह रहा है। तुम मुझ पर शक कर रही हो निदा? भाई तो चले गए कब? अभी आधा घंटा हुआ। तो बताया क्यों नहीं? क्या चाचा कमाल कि वो चले गए? आपको क्यों बताते? महल्ले वालों का हक बनता है। अच्छा ये बताओ नहला दिया? वो तो नहा के गए। उठाओगे कब? उठे हुए थे। हाय जवानी में चले गए। वो जाना था जरूरी काम से चले गए। आखिरी बात क्या की थी? आखिरी बात हाँ कह रहे थे कि मैं जा रहा हूँ। नेक आदमी थे पता चल गया कि जा रहे हैं। हम अगर आप रो क्यों रहे चाचा कमाल? क्यों तुम्हें कोई दुख नहीं हुआ? नहीं ऐसा कुछ खास नहीं बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ यार। वो चैनल बहुत चेंज कर रहे थे अब मैं सुकून से टीवी देखूंगा। तुम टीवी देख रहे हो शर्म करो। चाचा कमाल मैं वो वाले चैनल नहीं देखता। घर में जवान मौत हो गई है और तुम टीवी देख रहे हो। जवान मौत हो गई? आपके यहाँ? दफना दिया? दफना भी दिया और हमें बताया नहीं धंधा ही दे देते हम। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मुझसे क्यों पूछ रहे चाचा कमाल? मौत तो आपके घर में हुई है। मेरे घर पे मौत नहीं हुई। फिर किसके घर मौत हुई है? और जब मौत हुई नहीं तो दफना किसको दिया? अरे मौत तुम्हारे घर पे हुई है। जी क्या फजूल बातें कर रहे हैं चाचा कमाल? अभी तो तुमने कहा कि यात्रे चले गए। ओहो चाचा कमाल वो घर से गए दुनिया से नहीं। अच्छा जी। अच्छा ये बताएं आप इस वक्त क्यों आए? मैं बोर हो रहा था सोचा के यासर से मिल लूं। क्यों भाई के तुम्हें कैमरे दिखाते हैं? जाओ जाके सो जाओ और हमें भी सोने दो। ये शरीफों का मोहल्ला है। हाँ टाटा ये शरीफों का मोहल्ला है। आउच 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 आउच। ये मेरी आवाज़ क्या हुआ? आउच 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 ये क्या है? चाख पता नहीं क्या पड़ा हुआ यहाँ पे। क्या सीन है बॉस? मुझे क्या पता तुमने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा क्या? स्क्रिप्ट? एक तो तुम जैसे एक्टर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं एक्टर नहीं हूँ मैं जिनी हूँ। तो मैं क्या करूँ? विश करो। हैप्पी बर्थडे टू। वो वाली विश नहीं ख्वाहिश बताओ। क्यों तुम कोई वकील हो क्या? नहीं मैं जिनी हूँ इस चिराग से निकली हूँ।
चलो तो मुझे बनाओ मत, मैंने सारी जिनों वाली फिल्में देखी हैं। क्या मतलब? अरे चराग में से तो मोटा सा जिन निकलता है जिसकी बड़ी बड़ी मूछें होती हैं। हाँ, इस हिसाब से तो तुम्हें जिन होना चाहिए। मुझे पता है कि तुम फ्रॉड हो, कोई जिनी विनी नहीं हो। देखो तुम्हारे पास सिर्फ 12 घंटे हैं, अपनी ख्वाहिशें बताओ फिर मैं चली जाऊंगी। अच्छा कुछ सबूत दो, चलो। ओके ये लो मेरे कोई काफ का शनाख्ती कार्ड। जिनी खान, वल जिन खान, मोहल्ला कोकाफ, जादू नगरी। बस आ गया यकीन? नहीं, तुम कोई अच्छा सा जादू करके दिखाओ फिर मानूंगा मैं। अरे मैं जिनी हूँ, कोई आमेरे बंगाली बाबा नहीं हूँ जो तुम्हें शब्द दिखाऊं। नहीं एक मिनट रुको, उल कमाल साहब इसके साथ कुछ करो। क्या मतलब? कोई जादू वादू दिखाओ ना। आए, इस बेचारे के साथ क्या जी? चलो ये लो। तुम तो वाकई जिनी हो। इतनी देर से तो तुम्हें यही समझा रही हूँ, पहले मैं उसको ठीक करती हूँ। नहीं नहीं रहने दो, वो वैसे ही ठीक लग रहा है। डेमो दिखाया है, उसे सही करना होगा वरना मेरा चालान हो जाएगा जादू गलत इस्तेमाल करने पे ना। अरे यार, अरे सुनो आप जल्दी से मेरी विशेष पूरी करो। अरे पहले यहाँ से तो चलो वरना लोग समझेंगे मैं तुम्हारे साथ डेट पे आई हूँ। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हैंडसम आदमी तुम्हारे साथ डेट लगा रहा है। कोई काफ में होते ना तो तुम एक मोटे देव होते। अच्छा ये बताओ कोई अच्छी डांस पार्टी हो रही है यहाँ पे? क्या डांस पार्टी? हाँ हाँ। नहीं यार, कोई नई फिल्म लगी? फिल्म कौन सी फिल्म? दानिश मुबारक हो, मुबारक हो। भाई तुमने गुस्से में दूसरी शादी कर ली? नहीं बात तो सुन। भाभी अबे बात तो सुन मेरे भाई। भाभी भाभी आप लुट गई, बर्बाद हो गई। क्या हुआ दानिश, घर में डाकू आ गए क्या? डाकू नहीं, डाकू रानी आ गई, आपका सुहाग यार ले गई। थैंक गॉड मेरे जेवर तो गए। अरे भाभी भाई ने दूसरी शादी कर ली। यासिर कौन है ये? निदा खुशखबरी है तुम्हारे लिए, खुशखबरी। क्या तुमने दूसरी शादी कर ली और कह रहे हो खुशखबरी है मेरे लिए? अबू देख रहे हो आप, इसे छोड़ गए थे मेरे सहारे के लिए। अबे अबू को क्या बता रहा है? यही कि खुद तो दो दो कर लिया, हमारी एक भी नहीं हुई। तुम बताओ कौन है तुम? शकीला, रिजाना, रियाना, खजाना, कौन है तुम? मैं जीनी हूँ। मतलब कि तुम पांचवी हो? जी नहीं, मैं पहली हूँ। पहली तो मैं हूँ। यासिर क्या तुमने इसे बताया नहीं कि मैं तुम्हारी पहली बीवी हूँ? भाई मेरे होते हुए ये वाली भाभी यहाँ नहीं रह सकती। नहीं दानिश यहाँ रहेगी नहीं। अच्छा तो तुमने इसे दूसरा घर लेकर दिया है? अरे यार तुम लोग गलत समझ रहे हो, ये मेरी बीवी नहीं है, ये जिनी है, इस चराग में से निकली है ये। भाभी इस चातुर आदमी की बात तुम्हें मत आइएगा। मैं जिनी हूँ जिसे इसने इस चराग से आजाद कराया है, अब मैं इसकी 3 ख्वाहिशें पूरी करूंगी। अच्छा जीन्स पहनी हुई, आईपॉड लगाया और कह रही हूँ मैं जीनी हूँ, ऐसे तो मैं अभी सामरी जादू करूँ। अच्छा दानिश तुमने कभी बताया नहीं। शादी खुद ने की है, पूछ मुझसे रहे हो। अच्छा तो तुम जीनी हो, अभी साबित हो जाएगा। चलो लड़की कुछ करके दिखाओ। मैं जीनी हूँ, राखी सावंत नहीं हूँ, समझी? जुबान चला रही है भाभी आपके साथ। एक मिनट भाभी, ये ले भाभी और टिका दे इसको। निदा ये क्या कर रही है तुम? निदा अरे भाभी आपने तो कातल कर दिया। दानिश मैंने तो इसे मारा था। अरे नहीं भाभी, भाई आंखें झपक रहा है, बचत हो गई। भाई उठो भाई, ये दो बेवाओं को किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? अच्छा सुनो ये ड्रामा बंद करो, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को लाओ। तुम तो जीनी हो ना, बजाओ चुटकी मंगाओ खाना। अच्छा हाँ ओके। अरे भाई टिक्के, ये जीनी असली वाली जीनी। जीनी पहली दफा किसी जिंदा जीनी के हाथ पकड़ रहा हूँ। भाई होश में आ जाओ, हमें अकेले ना छोड़ के बेहोश हो भाई। छोड़ो यार, ऐसा करो जीनी मेरी कटरीना से शादी करा दो, मुझे पता है वो मना नहीं करेगी। मैं जीनी हूँ, कोई रिश्ता कराने वाली माई नहीं हूँ मैं। अरे ऐसे छोड़ो तुम जीनी, तुम ऐसा करो ना तो मुझे 5 डायमंड के सेट मंगवा दो यार। जीनी हाय पिछले 3 साल से पैसे जमा कर रही हूँ सिर्फ एक सेट के लिए। जीनी ऐसा करो मुझे ना, मुझे पराठे ला दो। मैं सिर्फ इस शख्स की ख्वाहिशात पूरी कर सकती हूँ। दानिश सब तुम्हारी गलती है। वाह भाभी मारा आपने और गलती मेरी है, वाह वाह वाह। अच्छा जीनी ऐसा करो ना तुम ना यासिर को सही कर दो यार।
मैं जीनी हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ। तुम जीनी हो लेकिन तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, बस सिर्फ बैठ के चाय पी सकती हो। अरे एक जबरदस्त आइडिया, तुम जो है चिराग के अंदर वापस चले जाओ और इस दफा मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी। मैं तब तक कहीं नहीं जा सकती जब तक ये शख्स मुझे अपने तीन ख्वाहिशात नहीं बता देता। भाभी हम क्या करें? यासिर को सही करना पड़ेगा। दानिश डॉक्टर को लेकर आओ। हाँ ये सही है। जी नहीं, मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास भेज दो। मुझे पता तुम ये भी नहीं कर सकती, कुट्टी बुरी औरत। यासिर तुम्हें मेरी मोहब्बत की कसम, उठो यासिर प्लीज। अपना काम निकालना है तो कैसे मक्खन लगा रही है? यासिर ये मत समझना कि मैं तुम्हें मक्खन लगा रही हूँ। निदा क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मैं तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तरस गई हूँ। भाभी अबे कहाँ लेके जा रहा बकरी की तरह मुझे? डॉक्टर आ गया। हेलो मैं वकील हूँ, मामला कितना भी उस वकील हल कर देता है। ये वकील दानिश वसीयत नहीं लिखवानी है तुम्हारी, इसलिए तो मैं वकील को नहीं लाया। लेकिन अभी तो उन्होंने वकील कहा। मेरा कहने का मतलब था कि मैं वकील हूँ। तो मैं भी तो यही कह रही हूँ कि आप वकील हैं। कमाल है, हम दोनों एक ही बात कर रहे हैं। जल्दी करें, सिर्फ दो घंटे रह गए। आप भी डॉक्टर हैं? जी नहीं, मैं जी। तो आपको कैसे पता कि इनके मरने में दो घंटे हैं? इनके मरने में दो घंटे नहीं, मेरे जाने में दो घंटे रह गए। आपके जल्दी जाने से इनका क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है जज साहब, डॉक्टर साहब आप जल्दी भाई को ठीक करें। अच्छा मैं अभी ठीक करता हूँ। अबे डॉक्टर है या वकील, जो भी है मुंह भी छिलकर बू आ रही तेरे मुंह से। अबे इतना मुंह तक लग रहा है, करीब से पीछे हो जा। दानिश ये तो काफी सीरियस केस है। दानिश मैंने तुमसे कहा था ना कि डॉक्टर को लेकर आओ, तुम वकील को उठा के ले आए हो। भाभी ये डॉक्टर ही है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि केस सीरियस है, मैं वकील हूँ और उन्होंने काले कपड़े भी पहने हुए। भाभी इनका नाम डॉक्टर वकील है। दानिश पकड़ो, मैंने मरीज को देख लिया है, आप ये जब ये उठ जाए ना तो याद से दवाई इन्हें पिला दीजिएगा, ठीक है? भूलिएगा नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब हमने आपको इसलिए यहाँ बुलाया ताकि आप इन्हें उठाएं। इन्हें उठाओ? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्योंकि क्योंकि मुझे डॉक्टर्स ने वजन उठाने से मना किया है। तो आपको वजन उठाने को कौन कह रहा है? अभी तो इन्होंने कहा कि इन्हें उठा रहा है। दानिश ये जो भी है डॉक्टर या वकील, इन्हें फौरन यहाँ से लेके जाओ। जिंदगी में एक मौका मिला था, वो भी इन बेवकूफों की वजह से जाया हो जाएगा। सिर्फ एक घंटा बाकी है मेरे जाने में। कुछ तो रहम करो जीनी डार्लिंग, हम बहुत गरीब लोग हैं। आहा, तो मेरे अब्बा ने क्या कोकाफ में लेदर की फैक्ट्री लगाई हुई है? जाके खोलो दानिश। अरे भाभी कैसे खोलो, कोकाफ में लेदर की फैक्ट्री खोलना कोई आसान है? बहुत पैसे लगते हैं और मैं कोकाफ जाऊंगा कैसे? दरवाजा जाके खोलो। आप दोनों इनको होश में लाने की कोशिश करें, मैं जाकर देखती हूँ। जिमी तो बड़ी अच्छी है। अच्छी अच्छी नहीं है भाभी, इसका दिल आ गया मुझ पे, बहुत देर से मुझे इंप्रेस करने की कोशिश कर रही है। औकात में रहो दानिश, उठाओ किसी तरह यासिर को, होश में लाओ। जा भाई उठ। जी यासिर आ गया? नहीं, कल रात अभी तक नहीं आया। नहीं। निदा की हालत कैसी है? बहुत बुरी। और दानिश? वो भी कुछ खास ठीक नहीं है। चलो चल के ढूंढते हैं। किसे? यासिर को। यासिर को? हाँ। यासिर तो अंदर है। अभी तो तुमने कहा था कि वो नहीं आया। अरे वो होश में नहीं आया। पीकर आया था क्या? नहीं पीकर तो नहीं आया था। अभी तो तुमने कहा कि वो होश में नहीं आया। ओहो, उसके सर पे चोट लगी थी इसी वजह से होश में नहीं आया। तुम कौन हो? मैं जिनी हूँ। कहाँ से आई हो? चिराग से। चिराग से क्यों? बहुत पकाता है इंसान। यासिर उठो प्लीज, खुदा के वास्ते उठो यासिर। अभी ऐसा करते हैं मैं भाई को अपना मोजा सुंघाता हूँ। अच्छे अच्छे चूहे मर के उसको सूंघ के। अबे दानिश नहीं, अपना मोजा मत सुंघा ना, मैं क्या तक नहीं उठूंगा। अबे क्या कर रहा है दानिश? अब तो उठ जाओ भाई, इतनी डिटाई अच्छी बात नहीं है। सिर्फ 6 मिनट रह गए।
मार दिया, मार दिया। यासिर ख्वाहिश बताओ, सिर्फ 15 सेकंड रह गए। हाँ, मेरी ख्वाहिश है शादी करवा लो। मैंने बहुत सारे पैसे। ओके भाई, महल महल हो बड़ा सा। नहीं, बहुत बड़ा घर करने के साथ। भाई 60 इंच की एलसीडी। हाँ, भाई दुबई का रिटर्न टिकट मांग लो। दुबई का? नहीं, बहुत सारी ज्वेलरी। भाई पाकिस्तान टूर। नहीं नहीं नहीं, इंग्लैंड का टूर। अबे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ तुम लोग, बकवास ही रहे हो तुम लोग। चलिए, मेरी ख्वाहिश है कि कहानी, अबे कहाँ गई है वो चढ़ा को रखो, दादा दूर नहीं गई होगी। हाँ चढ़ा के वो रखा हुआ, चढ़ा चढ़ा। अबे हाई नहीं रही तो? आपकी मतलब चराग की मदद खत्म हो चुकी है, बुराए मेहरबानी दोबारा रगड़ने की कोशिश ना करें, शुक्रिया। देखो जिनी, नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो